राजघाट थाने की पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद जफर कुरैशी उर्फ अज्जू पुत्र मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला धम्माल निकट जामा मस्जिद थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक शैलेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल संतोष कौशल, सतीश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर के थाना राजगढ़ क्षेत्र में 15,000 के एक वांछित अपराधी मोहम्मद जफर कुरैशी उर्फ अज्जू, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। थाना राजघाट में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 34/2023 धारा 307 के तहत ये वांछित था। आपराधिक कृत्यों में ये लगातार सम्मिलित रहा है। पूर्व में इसके और आपराधिक साथी पहले से ही जेल भेजे जा चुके हैं। इसकी कुछ वीडियोज़ असले के साथ भी पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसमें इसके द्वारा अपने विरोधियों को धमकाया जा रहा है और असले को लहराया जा रहा है। ऐसे आपराधिक तत्वों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने हेतु सबको निर्देश दिए गए हैं। आगे चल के भी इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराओं में भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।